नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज मैं यहां पर आया हूं हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िला के देवधार नामक स्थान पर स्थित देव श्री सतबाला कामेश्वर जी के मंदिर में। आप भी इनके दर्शन करें। आइए आपको देवता जी के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी देते हैं, जो कि मुझे इस मंदिर से ही यह जानकारी प्राप्त हुई है। यह देवता बालक महेश्वर के रूप में सन 1526 ईस्वी में भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष कलंक चतुर्थी और ऋषि पंचमी की संधि में आधी रात को प्रकट हुए हैं। किंवदंती है, ऐसा कहा जाता है कि ये बालक रूप में बालकों के साथ क्रीड़ा करते थे और अनेक चमत्कारी काम करते हुए उन्हें रिझाते थे और शाम को बालकों के सामने एक बाण वृक्ष के कोटर में प्रवेश कर जाते थे। जब बड़े और बूढ़े लोगों को यह पता चला तो उन्होंने आकाशवाणी द्वारा अपने प्रकट होने की भविष्यवाणी की। आज भी यह अति प्राचीन स्थान बाण वृक्ष के कोटर में गंभीरों के नीचे मौजूद है। इस स्थान पर आज भी बाण वृक्ष की जड़ें विद्यमान हैं। आकाशवाणी द्वारा प्रकट होने की स्थिति में अपनी पूजा अर्चना का भार यहाँ के कौंडिन्य गोत्रीय ब्राह्मणों को सौंपा, जो औरंगजेब के अत्याचारों से तंग आकर यहाँ बस गए थे। ये सिद्धि प्राप्त बड़े तांत्रिक और कुल देवता के अनन्य उपासक थे। इन देवता के नाम से आज यह स्थान देवधार के नाम से प्रसिद्ध है। पूज्य देवता जिसे देव कमेश्वर या बाला कामेश्वर कहते हैं, बड़े देवता कमरुनाग के टीका, जीवा जोगणी के जाया, देव पराशर के पोता और देव बूढ़ा विंगल के दोहता हैं। ये देव कमरुनाग के सातों पुत्रों में उनके सबसे प्रिय हैं। पिता कमरुनाग के ये बड़े पितृभक्त हैं। इन्हें देवताओं के मुख्य न्यायाधीश की उपाधि प्राप्त है और इनको 18 व्याधियों का भंडारी भी कहते हैं, क्योंकि 18 मुख्य व्याधियां, 18 मुख्य जो रोग हैं, उनकी कुंजी इनके पास है। उनको दूर करने के ये उपाय जानते हैं। ये देवता पशुधन पर बड़े दयालु हैं। ये पशुधन के रक्षक, भूत प्रेत बाधा दूर करने वाले तथा जहां भी इनके भक्त इनको याद करते हैं, वहीं उनकी रक्षा के लिए अविलंब दौड़े चले आते हैं। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, वैसा ही उनको फल देते हैं। देव बाला कामेश्वर जी वर्षा के देवता भी हैं। अपनी हारकों की मांग पर पिता कमरुनाग से वर्षा मांग कर लाते हैं और वर्षा बरसाते हैं। ये डाकनी शाकनी, छाई बलाई, भूत प्रेत बाधा, मन संताप, नज़र टोक, भय बाधा और जादू टोना आदि बाधाओं को सहज में ही दूर कर देते हैं। ये अपने भक्तों का बाल भी बांका नहीं होने देते। इनके चमत्कारों का अलग से पूर्ण वर्णन किया गया है ताकि आने वाली पीढ़ी के पास यह इतिहास बना रहे। तो आशा करते हैं देव सतबाला कामेश्वर जी से संबंधित यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको मंदिर से संबंधित, देवी देवताओं से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित, ज्योतिष कर्मकांड से संबंधित जानकारियाँ नित्य प्राप्त होती रहती हैं। फिर आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्कार। जय देव सतबाला कामेश्वर जी।